नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आज आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सेलजन बायोटेक इंडिया में। दोस्तों, मैं आज आपको विशेष एक ऑरेंज के बारे में ब्रीफ करने जा रहा हूं। और ये ऑरेंज की जो वैरायटी है, ये हमने 2019 में नवंबर या दिसंबर में लगभग यूएस से लेकर के आए थे हम इसको, और उसके बाद हम लोगों ने इस प्लांट को यहाँ प्लांट किया था। इसका नाम है नेवल ऑरेंज। तो बेसिकली दोस्तों, जो नेवल ऑरेंज वैरायटी है, ये हमने 2020 में प्लांट किया था जनवरी में, और आज इसको लगभग लगभग 4 साल के आसपास हो गए हैं। और आप दोस्तों देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। लेकिन आज 4 साल बाद हमको जो इसके रिजल्ट हैं, वो बहुत जो अनएक्सपेक्टेड थे, क्योंकि नेवल ऑरेंज जो है फ्लोरिडा और यूएस में काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है, और उसको लोग बाग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक वहाँ पे इकलौती वैरायटी है जिसको लोग बाग टेबल फूड यानी काट करके खाने में ऑरेंजेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वैरायटीज़ को जो है जूस एक्सट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है। जैसे वैलेंसिया ऑरेंज है, जो कि जूस के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो दोस्तों, ये वैरायटी बहुत पॉपुलर है, और हम लोगों ने इसको यूएस में कई बार ट्राई किया था, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी कि ये हमारे भारत में भी फले फूले। तो हमने इसका एक प्लांट जो है इम्पोर्ट किया था 2019 में। तो आज आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा हेल्दी प्लांट है। इसकी जो फ्रूट्स के आने की साइकिल है, वो फ्लावरिंग से फ्रूट बनने तक लगभग 260 डेज के आसपास लेती है। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं, इसमें भारी मात्रा में फ्रूटिंग आई हुई है, और अभी लगभग लगभग ये टेबल टेनिस की बॉल के बराबर जो है इसका शेप हो चुका है। और इस प्लांट में काफ़ी मात्रा में इस वक्त नेवल ऑरेंज दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जो नेवल ऑरेंज में एक विशेषता है कि जो इस ऑरेंज में नीचे है ना, नेवल होता है, यही एक इसकी प्रमुख विशेषता है। दोस्तों, यूजली नेवल ऑरेंज में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, मैं आपको वही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। और ये जो वैरायटी है, दैट इज़ पाल्मर नेवल ऑरेंज। तो दोस्तों, पाल्मर नेवल ऑरेंज को जो बोला जाता है CRC 3964, जो कि ओरिजिन हुआ था साउथ अफ्रीका में इन 1950, और जो टोनी लोम्बार्ड करके एक एक्सटेंशन ऑफिसर थे साउथ अफ्रीका कोऑपरेटिव एक्सटेंशन में, उनने जो है इसको डिस्कवर किया था, और उसके बाद लेटरली इसको ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस कराया गया, और पूरे यूएस में भी काफ़ी फेमस है। दोस्तों, बेसिकली दोस्तों, इसका और भी 4 वेरिएंट होते हैं, जैसे वॉशिंगटन नेवल ऑरेंज, काराकारा नेवल ऑरेंज, फुकोमोटो नेवल ऑरेंज, लेट नेवल ऑरेंज। तो इन सब में जो बेसिकली डिफरेंस रहता है, वो नेवल में रहता है। तो बेसिकली जो पाल्मर नेवल ऑरेंज है, इसकी जो नेवल होती है दोस्तों, वो थोड़ा सा छोटे साइज़ की रहती है, जैसा मैं आपको दिखाऊंगा। और जो दूसरे नेवल ऑरेंजेस हैं, जैसे वॉशिंगटन नेवल ऑरेंज, या फिर काराकारा नेवल ऑरेंज, या फिर लेट नेवल ऑरेंज, उनकी जो नेवल रहता है थोड़ा सा बड़ा साइज़ का रहता है। तो दोस्तों, यूएस में और बेसिकली यूएस के कैलिफोर्निया रीजन में ये काफ़ी फेमस वैरायटी है, और ज़्यादातर लोग बाग इसको बैकयार्ड में, उनके जो घर के पीछे बैकयार्ड्स होता है, वहाँ पे अपने खुद के इंडिविजुअल यूज़ के लिए लोग बाग इसको वैरायटी को पसंद लगाना बहुत पसंद करते हैं। तो हम भी चाहें तो इसको जो है हमारे बैकयार्ड में भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी रिकमेंडेड वैरायटी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कितनी शानदार फ्रूटिंग आ रही है, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन इस फ्रूटिंग का दिख रहा है, और आगे भी ये मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों, इसका जो हम लोग प्लांट तैयार कर रहे हैं, वो बेसिकली X639 रूट स्टॉक, जो कि हमने टिश्यू कल्चर लैब में तैयार किया है हमारी, और वो X639 जो रूट स्टॉक है, टोटली डिजीज़ फ्री रूट स्टॉक है, और इसके लिए रिकमेंडेड रूट स्टॉक है, उसी पे हम इसकी ग्राफ्टिंग करके जो इसके प्लांट तैयार कर रहे हैं, जो कि आप हमारी वेबसाइट से डायरेक्टली ले सकते हैं। तो आइए, मैं आपको और इसका फ्रूट्स के बारे में दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, अभी इसका कुछ दिन पहले जो है ऑफ सीजन में फ्रूट्स जब आए थे, फ्लावरिंग आई थी, तो हम लोगों ने कुछ फ्लावर रोक लिए थे। तो उसमें आप देखेंगे कि ये एक फ्रूट जो है आज पूरा पक कर के तैयार हो गया है, और मैं आज इसको तोड़ करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये ऑफ सीजनल फ्रूट है, तो मे बी इसका कलर अभी ऑरेंज के रूप में नहीं आ पाया ये, लेकिन ये जो है पहला फ्रूट है हमारे ऑर्चर्ड में, जो कि आप देख सकते हैं नेवल ऑरेंज का। तो दोस्तों, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ आज, इसमें इसकी विशेषता है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे ये जो फ्रूट मैंने तोड़ा, तो आप देखेंगे ये बेसिकली फ्रूट को आप देखेंगे बारीकी से, कि ये फ्रूट में जो ये दिखाई दे रहा है, दैट इज नेवल, ये पार्ट रहता है जो कि एक नेवल जैसा दिखाई देता है, जिसमें आप देख सकते हैं इसको बारीकी से।
ये नेबल बना हुआ दिखाई देता है। अदर जो ऑरेंजेस होते हैं, वैलेंसिया ऑरेंज हुए या दूसरे इम्पोर्टेड ऑरेंज होते हैं, उसमें ये नेबल नहीं आता है। मे बी ये अभी ऑफ सीजन है, इस कारण जो है इसका प्रॉपर पूरा कलर नहीं आ पाया है। लेकिन दोस्तों मैं आज इसको फ्रूट को आपको काट करके भी दिखाऊंगा और खुद भी टेस्ट करूंगा, क्योंकि ये हमारे ऑर्चर्ड में पहला नेवल ऑरेंज है जिसमें आज पहली फ्रूट हम लोग काट पा रहे हैं और इसको एक देख पा रहे हैं एज अ कि क्या क्वालिटी है। और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इंडियन रीजन में नेवल ऑरेंज इस प्रकार आएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी जो सीजनल फ्लावरिंग आई थी, फ्लावरिंग के बाद अब फ्रूट्स भी बहुत अच्छे अच्छे इसमें लग गए हैं। और अब मेरा इनको नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक इंतजार रहेगा कि जब ये फ्रूट्स जो है हम लोग हार्वेस्ट कर पाएँ और उसको टेस्ट कर पाएँ और उनका जो कलर रहता है ऑरेंज, उस कलर को इंजॉय करें। तो दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ और ये फ्रूट का वेट भी करके दिखाऊँगा। तो मेरे इस प्लांट में इस वक्त दो नेवल ऑरेंजेस हैं, तो एक तो ये मैंने तोड़ लिया एक प्लांट, एक नेवल ऑरेंज में और तोड़ने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। देखिए दोस्तों इसको भी हम ले चलते हैं, क्योंकि ये हवा चल रही है, दांधी चल रही है, तो ये भी बेसिकली टूट जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये जो पार्ट होता है नीचे का, यहाँ अब आप देखेंगे बारीकी से, इसमें आपको दिखाई देगा दैट इज नेवल। तो ये जनरली ऑरेंजेस में नेवल का शेप रहता है, दैट इज कॉल्ड नेवल ऑरेंज, और काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन इसका ऑरेंज कलर नहीं हो पाया है, मे बी ड्यू टू उसके क्लाइमेटिक रीजन के कारण हो सकता है, क्योंकि ये ऑफ रूटिंग के, ऑफ फ्लावरिंग में आया था। और अब हम इसको लेकर के चलते हैं दोस्तों, और अब हम आपको बताएंगे इसके बाद कि इसका, तो आइए दोस्तों मैं आपको इसको काट करके दिखाता हूँ और उसको स्केल करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं ये नेवल ऑरेंज जो है हमारे नेवल ऑरेंज के मदर प्लांट में से तोड़ करके लेकर आया हूँ, और अब मैं आपको इसको एक एक करके स्केल करके दिखाऊंगा, फिर काट करके इसको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरे को बड़ा गर्व हो रहा है कि ये मैंने US से लाया और मेरे इंडिया के हमारे रीजन में जहाँ हम लोग रहते हैं MP में, जहाँ हमारा काम है नर्सरी का, लेबोरेटरी का, टिश्यू कल्चर का, वहाँ हम लोगों ने इसको प्लांट किया हमारे मदर ऑर्चर्ड एरिया में, और आज हम इसको फ्रूट भी आपके सामने देख पा रहे हैं। और बेसिकली अभी इसकी सीजनल फ्रूटिंग जब आएगी तब भी मैं आपको एक वीडियो बना करके शेयर करूंगा। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं हमारा ये स्केल है, क्योंकि हवा चल रही है, तो ये मैं इसको फिर से ज़ीरो करता हूँ यहाँ, तो ये हवा के कारण अभी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है। तो 5-7 ग्राम का फर्क आएगा, तो हम पहले इसको वेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है 240 ग्राम इसका वजन आ रहा है, अब अप्रॉक्स 240 या 235 ग्राम या 245 ग्राम इसको पकड़ता है। इसी प्रकार मैं दूसरा फ्रूट रखता हूँ इस पर, इसका 250 ग्राम अपन इसको मान सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने आपको वजन करके दिखाया है इसका कि ये वेट आ रहा है इसका। हालांकि ये ऑफ सीजनल फ्रूट्स है, तो क्योंकि इसकी जो फ्लावरिंग आई थी वो सीज़न पे नहीं आई थी। अब दोस्तों मैं इसको काटता हूँ और फिर आपको इसको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर सीड्स की क्या पोजीशन है और कैसा। देखिए दोस्तों इतना शानदार जो है इसका टेक्सचर दिखाई दे रहा है आपको अंदर से देखेंगे, और बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है ऑरेंज का। मैं दोस्तों इसको काटता हूँ, इसमें देखिए दोस्तों पूरे के पूरे फ्रूट में मात्र एक ही सीड था जो कि दो पीस में कट गया। तो ये इसकी क्वालिटी है नेवल ऑरेंज की, कि बेसिकली ये जो वाशिंगटन नेवल ऑरेंज है इसमें सीड की मात्रा थी लेकिन मात्र एक ही सीड था। देखिए ये आपके सामने देख सकते हैं, क्योंकि ये दो पीस में हो गया। अब दोस्तों मैं इसको आपको काट करके और टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जो है ये नेवल ऑरेंज ट्राई कर रहा हूँ इंडिया में, क्योंकि तो बेसिकली इससे पहले जो भी मैंने नेवल ऑरेंज खाए हैं वो US में थे, वो हालांकि पूरा का पूरा ऑरेंज नेवल ऑरेंज था, लेकिन ये ग्रीनिश है जस्ट बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये ऑफ सीजन में फ्लावरिंग लिए हमने इसको। बहुत ही टेस्टी है दोस्तों ये,
इसी प्रकार में देखो दोस्तों आपसे मैं दूसरा भी काटूंगा ये, और आपको इसके अंदर की भी सीड क्वालिटी शेयर करता हूँ। ये वो जो लगभग 260 ग्राम के आसपास का देखिए इसका फ्रूट का वेट आ रहा है। इसमें भी दोस्तों मात्र दो सीड्स हैं, आप देख सकते हैं जो कि दो पीसेस में हो गए हैं। टोटल इस फ्रूट में जो है मात्र दो सीड्स निकले हैं। तो दोस्तों इसके बाद अभी जो फ्रूट्स लगे हुए हैं वो मे भी नवंबर अक्टूबर या नवंबर में राइप होंगे, और मैं नवंबर में आपको फिर से एक वीडियो बताऊंगा। तो दोस्तों बहुत मीठा है जैसे कि ये। तो बेसिकली दोस्तों हम लोग है ना नेवल ऑरेंज के प्लांट्स हमारे लैबोरेटरी में तैयार कर रहे हैं। इसको हम लोग जो है एक हमारा रूट स्टॉक है X639, उस रूट जो कि हम लोगों ने टिश्यू कल्चर में डेवलप किया हुआ है उसमें हम लोग इसकी ग्राफ्टिंग करते हैं, और ऐसे हम इसको डिजीज फ्री प्लांट बना रहे हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग वैलेंसिया ऑरेंज में भी काम कर रहे हैं, वैलेंसिया ऑरेंज के प्लांट्स बेच भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभी हम लोग नेबल ऑरेंज पे भी काम कर रहे थे, लेकिन अब हम इसको बेचने भी शुरू कर देंगे। कुछ महीने बाद, एक दो महीने बाद हमारा प्लांट्स ये स्टॉक में आ जाएंगे और आप लोग चाहें तो इनको ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस वीडियो में अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।